गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को आपका लेसन नंबर 10 द फिश पॉन्ड की क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। हमने ये चैप्टर इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि कैसे एक तालाब में तीन मछलियां थी जो वो फ्रेंड्स थी, लेकिन एक दिन जब मछुआरे वहां मछली पकड़ने आते हैं तो वो तीनों मछलियां उन मछुआरों की बात सुन लेती हैं। तो कैसे एक बुद्धिमान मछली अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को बचाती है और जो दूसरी फिश थी जो लक पे डिपेंडेंट रहती थी वो उसकी वजह से एक और मछली कैसे मारी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फिशरमैन से, जब वहां मछुआरे आए तो उन्होंने क्या कहा। दे सैड, वे बोले टुमारो लेट्स थ्रो अवर नेट इनटू दिस पॉन्ड। उन्होंने कहा कि हम अपना जो जाल है कल इस तालाब में लाकर डालेंगे। क्या कहा? दे सैड, वे बोले टुमारो लेट्स थ्रो अवर नेट इन दिस पॉन्ड। उन्होंने कहा कि हम अपना जाल इस तालाब में लाकर कल डालेंगे। सेकंड है व्हाट डिड द वाइज फिश एडवाइस, जो बुद्धिमान फिश थी उसकी क्या सलाह थी। द वाइज फिश एडवाइस इज लीव द पॉन्ड, जो बुद्धिमान मछली थी उसकी सलाह ये थी कि तालाब को छोड़ देना चाहिए। क्या एडवाइस थी? द वाइज फिश एडवाइस इज लीव द पॉन्ड। व्हिच फिश वाज नॉट कैच, कौन सी मछली थी जो नहीं पकड़ी गई थी। द वाइज फिश वॉज नॉट कैच, जो बुद्धिमान मछली थी वो नहीं पकड़ी गई थी। क्यों नहीं पकड़ी गई थी? क्योंकि वो अपने लक पे डिपेंडेंट नहीं रही थी। उसने सलाह दी थी कि मछुआरों की अब बात सुनते ही कि हमें दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए, और उसने ऐसे ही किया था कि वो दूसरे तालाब की ओर चली गई थी, इसलिए वो मछली जाल में नहीं पकड़ी गई थी। तो बच्चों ये दिए गए तीन क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से समझना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में आप अपनी कॉपी में करेंगे और ये तीनों क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से लर्न भी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।